हेलो जी, कैसे हो? अच्छा, क्या आपने कभी इस क्वेश्चन के बारे में सोचा है कि आर्ट हमारे डेली लाइफ में कैसे हमारी हेल्प करता है? कैसे हमारे आसपास आर्ट काफी अलग अलग फॉर्म में हमारे अलग अलग तरीके से, एक्चुअली ज्यादा ना बोलते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में तीन चार बातें बताऊंगा। तो पहली चीज़ ये थी कि लास्ट वीकेंड हमारे कॉलेज में कुछ स्पेशल हुआ था एंड मेरा मन नहीं था वैसे वहाँ जाने का, बट मेरा फ्रेंड का मैसेज आया, कहता कि हेलो, कल कॉलेज आ रहे क्या? काफ़ी लोग आ रहे हैं, आ जाइयो कल। ठीक है, चल। तो फिर क्या, मैंने सोचा हाँ, एक ना एक बार तो जाना चाहिए। वैसे भी लास्ट सेमेस्टर मेरा, तो कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा, बट इट वॉज अनएक्सपेक्टेड। आपको वीडियो में आगे दिखा। तो बेसिकली मैंने ये दोनों लिए। मैं वीडियो बना रहा हूँ। वेजिटेबल भरी है इसमें, घर में बनाया है यार। कैसे लग रहे? अच्छे हैं भाई, एकदम मस्त है, एकदम। चीयर्स। सही है बाबे। ये जो टॉपिक है आर्ट के रिलेटेड, मुझे इसका आइडिया कैसे आया? मुझे इसका आइडिया मैं अपनी जो उस दिन वीडियो रिकॉर्ड की थी, जो अभी आपने देखी, मैंने उसमें नोटिस किया कि जिस बंदे से मैंने आर्ट वर्क लिया है वो काफ़ी टेंशन में था, जबकि जो उसके साइड के जो आर्टिस्ट थे वो उनका आर्ट से लोड था। तो इसी से मैंने सोचा कि आर्ट कितना इम्पोर्टेंट है किसी के लाइफ में, और नॉट पेंटिंग एंड ऑल, किसी भी तरह का आर्ट, म्यूजिक हो या फिर किसी भी तरह का आर्ट, किसी को फेम दिलाता है, किसी को टेंशन से बाहर निकालता है। तो आर्ट सबके लिए अलग अलग होता है। तीसरी बात मैंने आपको ये बतानी थी कि मेरे को आपको एक ऐसे फ्रेंड से मिलाना है जो आर्ट के बारे में मेरे से अच्छा जानता है, उसकी लाइफ आर्ट के अराउंड है, तो बिना आपको पकाए सीधा मिलाता हूँ। और भाई विकास कैसा? बढ़िया। तो गाइज मेरे को इससे मिलाना था, विकास, ये काफ़ी अच्छा आर्टिस्ट है। गाइज ये हमारा हॉस्टल है, इंटरनेशनल बॉयज़ हॉस्टल, और आशीष भी आया है हमारे साथ। हाँ, अभी हम लाइव कर रहे हैं वहाँ पे, वहाँ लोकेशन हर बार जो भी है सारा, ये सारा आएगा अपना एक ही डोम में, शेडो ये सब कुछ एक डोम, तीन डोम में डिवाइड कर ले काम को।
लाइटेस्ट, मिडिल और डार्क, ठीक है, इस हिसाब से करके सही रहेगा। फिर तुझे मतलब लोग कैसे जज करते हैं? नॉन आर्टिस्ट, उनको तो लाइक माइंड नहीं करता, बिकॉज अब किसी प्रोसेस के बीच में आके लोग देख के जाएंगे और वो सोचेंगे कि क्या कर रहा है ये, लाइक ये कलर ही नहीं जो उसने वहाँ पे लगाया है, पेड़ के पत्ते भी नहीं बना रहा है ये, पैच भी नहीं लगा रहा है। क्रिएटिव वो नहीं, क्रिएटिव चॉइस नहीं देते सही जो आर्टिस्ट को दिया। नहीं होता आर्टिस्ट यार, आर्टिस्ट वो होता है जो लाइक उम्र भर काम करके बोले कि मैं तो अभी सीख रहा हूँ, क्योंकि आर्ट की यार उम्र नहीं होती यार, कभी नहीं सीख सकता बंदा, लाइक इतनी जल्दी मुझे मुश्किल होता है सुनना, भले बहुत आर्टिस्ट जो नहीं सीखा पर इतनी जल्दी दो दिन काम करने के बाद नहीं बोलना चाहिए कि हम आर्टिस्ट बन गए। चल ब्रो चलते हैं। सो ये मोनोक्रोम वर्क में जो कर रहा हूँ आजकल, ये थोड़े बहुत हुआ है, पहले मोनोक्रोम दिखाता हूँ मैं, वेट मोनोक्रोम मतलब सिंगल लोगो शेड, सिंगल शेड वाले भी थे मेरे, लाइक रेफरेंस ही गए हैं अभी तो फोटो से, क्योंकि लाइक यूरोपियन अगर रेफरेंस है तो यहाँ तो मिलेंगे नहीं, सो थोड़े बहुत फिर पोर्ट्रेट है, सेल्फ पोर्ट्रेट दो किए हैं, और ये सेल्फ पोर्ट्रेट किए थे मैंने, बहुत सही है इसका। अच्छा इसी का बड़ा वाला साइज बड़ा साइज था ये, मैंने दो दिन किया था, कि पहले दिन ये किया था, कितने का भेजा तूने? 55 का। हां सही यार वॉल पे कौन सी सही रहेगी मेरी? आपको विकास का आर्ट वर्क अच्छा लगा तो आप उसे अप्रिशिएट कर सकते हैं, अगर आप उसे खरीदना चाहते हैं तो आप उसका इंस्टा आईडी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे वहां से परचेज कर सकते हैं, एंड हम 100 सब्सक्राइबर के काफ़ी क्लोज है, तो आप प्लीज़ करा दो जल्दी से, एंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बताना, और स्टे ट्यून्ड विद मी ड्रुक साइनिंग आउट।